हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हमारे पास एक स्टोन टेस्ट होने आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये स्टोन टेस्ट होने आया है और एक बहुत बड़ा सा क्रिस्टल है ये, आप देख सकते हैं। और इस क्रिस्टल को मैं आज आपको चेक करके बताऊंगा कि ये कौन सा स्टोन है। और बहुत आसान तरीके से हम इसे चेक करेंगे और इसे ये पता लगाएंगे कि क्रिस्टल किस काम के लिए आता है। पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोन है और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि इसे कैसे चेक करेंगे, इनके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं और ये किस काम में यूज होता है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो देख सकते हैं आप, बहुत खूबसूरत से स्टोन है ये, बहुत ही खूबसूरत सा क्रिस्टल है और काफी बिग पीस है, बड़ा पीसेस है ये, बहुत रेयर मिलते हैं ये ऐसे क्लीन में। इस तरह से सफाई वाले पीसेस बहुत रेयर होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और इसे चेक कर कर आपको बताते हैं कि ये स्टोन कौन सा स्टोन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे हाथ में एक बड़ा सा रफ स्टोन है ये, और ये बड़ा सा बड़ा ही खूबसूरत सा रफ स्टोन है ये, आप देख सकते हैं। मैं आपको इसे लाइट से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कितना अच्छा क्लीन पीस है। देखिए, मेरे फिंगर्स भी बैक साइड में दिख रहे हैं। ये थिक भी है और बहुत ही सुंदर सा ये एक रफ स्टोन है, बड़ा सा। तो आप में से कुछ लोगों को अंदाजा लग गया होगा ये कौन सा स्टोन है, जो थोड़े जानकार है वो समझ सकते होंगे। अदरवाइज मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे देखना है, ठीक है। आप देख पा रहे ये क्रिस्टल, इनके मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखाता हूं। ये देख रहे हैं आप, बहुत ही खूबसूरत सा पीस है, देखा आपने। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूं। इसमें हम थोड़ा सा ना पहले इसका एक हार्डनेस टेस्ट कर लेते हैं कि ये एक्चुअल में स्टोन तो है, रफ स्टोन है, पर इसकी हार्डनेस कितनी है, ठीक है। तो जैसा कि मैं पहले ही बता दूं कि एक कैल्साइट स्टोन है, पर हम इसे कैसे जांच कर सकते हैं ये कैल्साइट स्टोन है। इसके दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एक तो इसकी हार्डनेस है, कैल्साइट की हार्डनेस बहुत कम होती है। तो मैं भी आपको यहाँ पे देखिए, ये चिमटी है, ये चिमटी की हार्डनेस 5-5.5 होती है, ठीक है। मैं इसमें से आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये सरफेस आप देख रहे हैं, देखिए मैं यहाँ पे एक स्क्रैच लगाता हूँ, आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये कैल्साइट इतना सॉफ्ट होता है कि चिमटी से भी स्क्रैच हो जाएगा, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, ठीक है, यानी 5 से नीचे के इसके हार्डनेस है, ये कैल्साइट स्टोन है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है, इसमें डबलिंग बहुत ज्यादा होती है। और ये कैल्साइट स्टोन, एक इंस्ट्रूमेंट आता है डाइक्रोस्कोप, उस डाइक्रोस्कोप में इसके ही एक क्रिस्टल लगे होते हैं और जिससे हम इसके उसमें प्लियोक्रोइज में चेक करते हैं। तो इसी स्टोन का ही एक टुकड़ा उस डाइक्रोस्कोप स्टोन, डाइक्रोस्कोप जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके अंदर इन्हीं के क्यूब्स के टुकड़े लगे रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये कितना स्ट्रांग डबलिंग करता है। तो रुके, मैं भी आपको दिखाता हूँ। डबलिंग यानी कोई भी चीज़ को डबल दिखाएगा ये। ये डीआर स्टोन है और स्ट्रांग डीआर स्टोन है, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए हम एक पेपर ले लेंगे और मैं आपके सामने ही इसमें एक मार्क कर देता हूं। देखिए, हमने इसमें एक मार्क किया है और जब हम इस मार्क को जब इस स्टोन के थ्रू से देखेंगे तो ये लाइन आपको डबल नजर आएंगी। मैं कोशिश करता हूं, ये देखिए, ये मार्क आप एक देख रहे हैं
और देखिए आपको गौर से देखिए दिख रही होगी, डबल लाइन दिख रही होगी, दिख रही है आपको दोस्तों? मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये लाइन आपको डबल दिख रही है, दिख रही है? देखिए ये सिंगल लाइन है, ये डबल लाइन है। मैं अब आपको एक लेटर लिख के दिखाता हूँ। मैंने ये डी लिखा है और आप देखिएगा ये डी कैसा दिख रहा है, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये कितना स्ट्रांग डबलिंग है, कितना स्ट्रांग डबलिंग है। देखिए यहाँ सिंगल डी है पर इस स्टोन में हमें डबल डी दिख रहा है, देख पा रहे हैं? तो है ना ये बड़ा कमाल का मैजिकल स्टोन, जबकि देखिए कि स्टोन है ये, प्रकृति में कितने अद्भुत चीजें होती हैं। ये जस्ट एक स्टोन है पर ये स्ट्रांग डीआर स्टोन है, ये किसी भी इमेज को डबल कर देगा, ये देखिए, देख पा रहे हैं आप? ये देखिए कितना स्ट्रांग डीआर दिख रहा है, इतना ज्यादा गैप। तो इसकी दो मेन प्रॉपर्टीज हैं दोस्तों, एक तो स्क्रैच टेस्ट जो मैंने अभी आपको करके दिखाया कि किसी भी एक मेटल के टुकड़े से भी ये स्क्रैच हो जाएगा क्योंकि इसकी हार्डनेस बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है, तो ये स्क्रैच हो जाता है। दूसरी स्ट्रांग डबलिंग होंगे, ठीक है। इसके क्रिस्टल सिस्टम को तो आप देख ही रहे हैं, ये क्रिस्टल सिस्टम किस तरह से है, ये क्रिस्टल सिस्टम है। और अगर आप इसे थोड़ा सा ताकत लगाएंगे तो ये जो क्रिस्टल के टुकड़े हैं ये नाखून से भी निकल जाएंगे। अगर मैं इसमें थोड़ा सा ताकत लगाऊं, ऐसे नाखून से कुरेदने लगूं, तो ये नाखून से भी निकल जाएंगे, ये इतने सॉफ्ट स्टोन्स होते हैं ये, ठीक है। इसे कैल्साइट स्टोन कहते हैं, जो आपने हार्डनेस के चार्ट में अगर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये थर्ड नंबर पे आता है, ये है कैल्साइट, कैल्साइट स्टोन, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह के कोई स्टोन आपके पास है तो आप एक बार इस तरह से चेक करें तो आपको आसानी से पता चल जाएगा आपके पास जो स्टोन है वो कौन सा है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इसके हार्डनेस कैसे चेक करेंगे, और डीआर के थ्रू से भी हम देख सकते हैं कि ये कितना स्ट्रांग डबलिंग होता है ये, तो इससे भी हम इसे पता कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो लोग हमारे वीडियो पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे ऐसे ही नए नए वीडियोस जो अपडेट होते रहेंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम चाहते हैं कि अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चंस है, कुछ वैसी चीजों के बारे में जानकारी या कुछ वैसा है, तो हम चाहेंगे आप हमें कमेंट करें ताकि हम उससे रिलेटेड भी वीडियो आपको बना के दे सकेंगे। हमारे पास काफी कमेंट्स आते रहते हैं जिस वजह से हमने ये वीडियो बनाया। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है किसी भी स्टोन्स को लेके, कोई डायमंड हो या कोई भी और स्टोन हो, रफ से रिलेटेड हो या पॉलिश से रिलेटेड हो, तो हम चाहेंगे कि आप अपने सवाल हमें भेजें, और ताकि हम उससे रिलेटेड जो बेहतर से बेहतर उसका ऑप्शन हो सकता है बहुत आसान तरीके से, इजी वे में, वो हम आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।